जजमेंट डे का टूटना शुरू हो गया है और बैकी लिंच बन गई न्यू चैंपियन। और भाई रोमन रेंस के लिए और भी मुश्किलें बढ़ने वाली, सेमस का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप भी शॉक खा जाएंगे। तो भाई क्या कुछ हुआ आज के रो के अंदर, तो आइए जानते हैं। तो भाई जजमेंट डे का टूटना शुरू हो गया और जब तक मामी रिया रिपली थी जजमेंट डे के अंदर तब तक सब लोग खुश थे, पर मामी के जाने के बाद डेमियन प्रीस्ट को अब किसी की भी जरूरत नहीं है। और बैक स्टेज हमें लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्ट्री को दिखाया जाता है एक साथ, और ये सिग्नल है कि अब रिया रिपली की जगह लेने वाली लिव मॉर्गन। और भाई सेमस को हमने लास्ट स्मैकडाउन के अंदर देखा था और वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे, पर आज की रो के अंदर कुछ वो ऐसे दिखाई दिए। तो भाई सेमज इतने ही मोटे नहीं हुए थे जितना हमें लग रहा था देखने में, और उन्होंने अपने बॉडी को काफी जल्दी शेप में लिया है और अब सेमज का फाइनल रिटर्न हुआ है सही मायने में कहें तो। गाइस नेक्स्ट न्यूज है हमारी रोमन रेंस को लेकर, उनकी मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली क्योंकि सोलो सिक्योर लाने वाले एक और नए मेंबर को ब्लड लाइन के अंदर, और वो है जेकोब फाटू। उनको एंटर कराने वाले ब्लड लाइन के अंदर और नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर उनका फाइनली डेब्यू होने वाला है। और भाई रोमन रेंस जब तक आएंगे जब तक सोलो सिक्योर पूरा कंट्रोल कर लेंगे ब्लड लाइन को और पूरे स्मैकडाउन के अंदर। और भाई बैकी लिंच गई सात ही बार वुमेन चैंपियन, भले ही वो रेसलमेनिया के अंदर हार गई हो पर किस्मत में उनका चैंपियन बनना लिखा था और वो अब चैंपियन बन चुके फाइनल रो के अंदर। और भाई वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।